इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप नेरो एआई वेबसाइट का कैसे यूज करेंगे। यह वेबसाइट 100% फ्री है। आप इसमें डिड एआई, हेजन एआई और क्रेडो एआई वेबसाइट की तरह बिल्कुल फ्री में एआई वीडियो जनरेट कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट में टेक्स्ट को स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप 11 लैब्स एआई मेन वॉइस जनरेट करते हो और अपने टेक्स्ट को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस वेबसाइट का कैसे यूज करना है सभी कुछ मैं आपको बताऊंगी, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है न्यूरो एआई और आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर लिखा है क्रिएट फ्री एआई वीडियोस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप इसे थ्री डॉट पर क्लिक करके पहले डैशबोर्ड साइट में ओपन कर ले। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्या हुआ है, ये ग्रीन ब्लू कलर का टिक आ चुका है और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां से कोई सा भी कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस अवतार से वीडियो बनाना चाहते हैं यानी जनरेट करना चाहते हैं आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए आपको जो कैरेक्टर अच्छा लगे। सो यहां पर मैं ये वाला कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला। सो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। देन नीचे लिखा है वीडियो स्क्रिप्ट, आपको अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट यहाँ पर डाल देनी है। वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए मैं यूज़ करूँगी चैट जीपीटी का। सो यहाँ पर मैंने टॉपिक डाल दिया है और यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट बनकर आ चुकी है। आप चाहे तो इसे हिंदी में भी जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इंग्लिश में वीडियो बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगी वीडियो स्क्रिप्ट। आप चाहे तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट कर दी है। नीचे लिखा है लैंग्वेज, आप यहाँ से कोई सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। सो यहाँ पर मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप चाहे तो हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे लिखा है वॉइस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप यहां से वॉइस सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जिस करेक्टर की वॉइस चाहिए, सो यहां पर मैंने सेव चेंजेस पर क्लिक किया और देन यहां पर है हैशटैग बैकग्राउंड, आपको यहां पर क्लिक करना है। आप चाहे तो यहां से अपनी बैकग्राउंड के लिए इमेज भी गैलरी में से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे बैकग्राउंड से आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ग्रीन बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ पर नीचे लिखा है जनरेट वीडियो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन इन विथ गूगल, सो यहाँ पर हम साइन अप कर लेते हैं विथ गूगल से। सो यहाँ पर मैंने इसे साइन अप कर लिया है एंड जनरेट वीडियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ी देर वेट करें और आपकी वीडियो ये रेडी हो जाएगी। आप इसे प्ले करके देख ले। देन यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और ये नीचे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड लिखा है और आपकी वीडियो ये गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। आप इस तरीके से एआई अवतार वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी वीडियो ये डाउनलोड हो चुकी है। नाउ यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और अब आप इसे प्ले करके देख स्टोरी कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव प्रोसेस। हियर आर द जनरल स्टेप्स टू क्रिएट एन एनिमेटेड स्टोरी। 1. Asterisk asterisk concept and storyboard. Asterisk asterisk start by developing a clear concept for your story. What is the message or story you want to convey? Create a storyboard that outlines the sequence of scenes and actions in your story. A storyboard is like a comic strip that helps you visualize how the story will unfold. 2. Asterisk asterisk script and dialogue. Asterisk asterisk write a script that includes dialogue and narration. If you like this video, so please like, share this video and subscribe this channel. Thanks for watching.